कुछ और एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ले लेते हैं, लाइक पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 कंफिगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल को एक बार फिर थोड़ा सा आप जल्दी से ले लें, 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p फिर देन 5d 5f फिर देन 6s 6p 6d फिर कुछ नहीं ले रहे हैं 7s 7p 7d ये हमने ले लिया। एंड इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि इसके आगे के ऑर्बिटल्स हमने क्यों नहीं लिए, उसकी हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल एलिमेंट्स होते हैं 118, मतलब जो लास्ट एलिमेंट है वो 118th एलिमेंट है। इसका मीनिंग उसका एटॉमिक नंबर भी 118 है, एंड एटॉमिक नंबर 118 इसका मीनिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 118 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 118 ही है। तो यहां तक हमारे पूरे 118 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। देखिए कैसे, सभी में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करते चलिए और सभी का टोटल करिए। जैसे एस में 2, ये में 2, फिर देन 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 40 10 6 2 40 10 एंड 6 ना। अब सबको टोटल करिए, 4 6 10 12 18 20 30 36 38 48 54 56 70 80 86 88 102 112 118 यहां तक पूरा हो गया 118। इसीलिए हम इसके आगे को कोई ऑर्बिटल्स नहीं बनाते। तो वापस आते हैं पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। इसका हमने दोनों तरीके से बताया था, कंडेंस भी बताया था और नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी। पहले नॉर्मल आते हैं फिर कंडेंस पे आ जाते हैं। तो पहला ऑर्बिटल है 1s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, फिर देन 2s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, फिर देन 2p मैक्सिमम 6, फिर देन 3s मैक्सिमम 2, फिर देन 3p मैक्सिमम 6। यहीं तक पहले टोटल कर ले, 4 एंड 6 10 12 18, इसका 19 चाहिए, इसका मीनिंग 4s 4s1। एंड इसमें देखें, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। नाइन्थ क्लास में आपने जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था उसमें देखिए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 6 एंड 2 8, थर्ड शेल में 8 एंड फोर्थ शेल में 1। ऐसा शायद कॉन्फ़िगरेशन देखा था 2 8 8 1, और जो थर्ड शेल होती थी उसमें अपन फिल करते थे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18। तो कुछ लोगों के दिमाग में था कि यहाँ पे 9 क्यों ना आए, 9 ना देखे हम क्या देते हैं 8 एंड 1। वो किस बेसिस पे होता है? ये SPDF कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे होता है। तो 9th वाली चीज हमारी यहाँ पर आके क्लियर हो जाती है। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम कंडेंस बनाते हैं। कंडेंस बनाने से मतलब नियरेस्ट नोबल गैस ले लें। तो पोटेशियम से पहले की जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो ऑर्गन है। ऑर्गन एटॉमिक नंबर पता ही आपको 18 होता है। तो देखिए 18 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक आ गए, 4 एंड 6 10 12 एंड 6 18, मतलब ये इतने ऑर्बिटल्स, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इनके प्लेस पे सीधे आप क्या लिख सकते हैं, AR लिख सकते हैं, और फिर आगे क्या है 4s, तो सीधे आप दे दो 4s1 खत्म। ये कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया पोटेशियम से रिलेटेड। ठीक वैसे ही कैल्शियम में चलेंगे, एटॉमिक नंबर 20, तो AR एंड ये हो गया 4s2। फिर इसके बाद नेक्स्ट करता है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, AR वैसे ही रहने दें, 4s2 ले ले। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, d में, तो 3d1। फिर स्कैंडियम के बाद आते हैं टाइटेनियम पर, 22, AR, 4s2 एंड 3d2। फिर टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, 23, AR, 4s2 एंड 3d3। वेनेडियम के बाद फिर नेक्स्ट क्रोमियम, 24। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम, इसको आप अच्छे से देखिए।
According to above principle, Ar 4s2 and 3d4 इस तरह से होना चाहिए. But ये जो configuration है 3d4 इसमें थोड़ा सा change आता है. Change कैसे आएगा? Atomic number 24 ये हो गया 18, 18 and 2 20 and 4 24. इनके boxes बनाए 3s में sorry 4s में एक ही box है. 3D में हमारे 5 boxes हैं. 3D magnetic quantum बस ये आपने पढ़ी थी 5 boxes. 4s के 2 electrons ये हमने fill कर दी and इसमें हम 111 ये fill कर रहे हैं. अच्छा अब ये electron की filling कैसी है तो इसके लिए हमको Hund's rule देखना होगा. तो Hund's rule अभी हमने पूरा देखा नहीं है फिर भी थोड़ा सा idea ले लें. जैसे d orbital है, d orbital में जैसे 4 electron fill करना है तो हम डायरेक्ट पेयरिंग नहीं करते हैं. पहले 111 इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में दे देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं पेयरिंग करते हैं. उस पे आएंगे अभी बस इसके बाद Hund's rule पर. तो यहां पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल किए. ये जो 4s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. तो यहां से जो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है ये यहां चला जाता है एम्प्टी ऑर्बिटल में. यहां जाने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये सारे ही इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, कंप्लीटली हाफ फिल्ड. एंड जो कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए हमने इसको इस तरह से फिल किया है. और इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फुल फिल्ड हो स्टेबिलिटी सेम होती है. इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन यहां देने से कोई दिक्कत नहीं है. मतलब ये पूरी तरह से स्टेबल है और ये भी स्टेबल बन गया. तो फाइनल कॉन्फिगरेशन में हम लिखेंगे 4s1 एंड 3d5 इस तरह से लिखा जाएगा. सिमिलरली ऐसा ही एक एक्सेप्शन केस कॉपर में भी है. कॉपर एटॉमिक नंबर 29 में हम चले हैं तो Ar 4s2 हम लेंगे एंड 3d देखिए 3d हम करेंगे 9. कैसे 9 किया? टोटल करें इलेक्ट्रॉन 18 एंड 2 20 एंड 9 29. इनके भी बॉक्सेस बनाए 4s एंड 3d में हम 5 बॉक्सेस ले रहे हैं. 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए 9. Hund's rule जैसे अभी बताया सब में पहले 111 फिल कर देना है पूरा और उसके बाद फिर पेयरिंग करना है. ये हमने पेयरिंग कर दी इस तरह से. लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए अनपेयर्ड, ये पेयर्ड नहीं है. बट हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले इसको दे देंगे तब ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली पेयर्ड हो जाएगा. पेयर्ड होने से मीनिंग लाइक दिस, ये सिचुएशन बन जाएगी. मतलब ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होता ही है. ये क्या हो गया? पूरी तरह से फुल फिल्ड हो गया. एंड पूरी तरह से फुलफिल्ड हो गया, कंप्लीटली फुलफिल्ड हो गया, इसका मतलब हाईली स्टेबल. तो ये हाईली स्टेबल हो गया, ये भी हाईली स्टेबल हुआ. तो फाइनल कॉन्फिगरेशन हमारा 4s1 एंड 3d10 होगा. तो ये हमारा कॉपर का कॉन्फिगरेशन. तो इस तरह से कुछ ये दो एक्सेप्शन केस थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. थैंक यू.